अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप लोग सब ठीक से होंगे और इनसे मिले ये हमारे घर का प्रिंस इसका नाम है जिगलू शाह तो ये हमारे प्रिंस जिगलू शाह ही इज़ अ बॉय ये पिक्चर जो आप लोग देख रहे हैं ये टू मंथ्स की है जिगलू की जब फर्स्ट डे ये आए थे घर में टू इयर्स अभी थर्ड रनिंग चल रहा है तो आज का व्लॉग के हीरो हमारे यही रहेंगे आज ही इन पर सारा वीडियो मैंने बनाया है तो बिना स्किप करे पूरा देखिएगा आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा बहुत रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद मुझे ये बेस्ट लगा जिगलू के लिए तो मैंने ये ऑर्डर किया आई एम्स प्रोएक्टिव हेल्दी फूड इसमें दो फ्लेवर मैंने ऑर्डर किया था चिकन एंड सलमिन वाला और ट्यूना एंड सलमन वाला प्रीमियम ड्राई फ्रूट और जिगलू एक्चुअली पहले विस्किस खाता था फिर उसने एकदम से उसका स्टमक अपसेट रहने लगा तो उसने स्टॉप कर दिया खाना अभी भी अगर जिगलू को कभी भी अगर हम विस्किस अगर स्टॉक में नहीं रहता है हमारे ये फूड तो हम लोग बिस्किट देते हैं तो वो नहीं खाता है वो उसे यही चाहिए उसको इतना बेस्ट लगा इतना बेस्ट लगा दैट ही लव्ड इट तो ये देखकर जिगलू को हमेशा क्रेविंग ही होती है और तो चलते हैं स्नैक्स टाइम की तरफ अभी जिगलू का स्नैक्स टाइम हो गया है तो हमारे हाथ में जो है वो मीयू क्रीमी ट्रीट है क्रैप फ्लेवर है इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा क्रैप फ्लेवर ही जिगलू को बहुत पसंद है और वो वही ईट करता है जिगलू तो ही इज रेडी गो को बाहर जाना था क्योंकि उसे आदत है थोड़ा सा मामा या नहीं तो मैं हम दोनों कोई भी एक उसे लेकर जाते पार्क में तो वो थोड़ा एक्टिव रहता है और खेलता है फिर घर पे वापस आ जाता है स्क्रैचिंग टाइम इट इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर देम ये बहुत अच्छा होता है उनके लिए लेकिन हम लोग ने यहाँ तक कि स्क्रैच बोर्ड भी ला के दिया था बट वो उस पर नहीं करता ये हमेशा सोफे पे करता है और ममा हमेशा बोलती है जुगलू मत करो बेटा इस पर मत करो बट ये नहीं सुनता है so की हम दोनों शिबा का फूड वेट फूड देते हैं दोनों टाइम और ये बहुत चूजी है बहुत चूजी है बिकॉज इसमें मैंने चार फ्लेवर लाई थी उसमें से वो सिर्फ तीन फ्लेवर्स पसंद आए और सबसे ज़्यादा फिश विद ड्राई बोनेटो जो ख़त्म हो गया है अभी जो ये ईट कर रहा है वो स्किप जैक एंड सैलमन वाला वो भी बहुत पसंद है उससे So playing with my बेबी एंड कडलिंग हिम लविंग हिम एंड pampering टू उसे बहुत अच्छा लगता है कोई ऐसा करता है तो मामा भी करते हैं मैं भी करती हूँ और घर में सभी लोग करते हैं तो आप देख रहे हो उसे कितना अच्छा लगता है एंड बहुत क्यूट है ये मेरा अडोरेबल मंचकिन जिगली पॉप है बहुत क्यूट सा ये बहुत अटेंशन सीकर है इसे अटेंशन देना पड़ता है और ये मेरे कमरे से जाता नहीं है वहीं सोता है मेरे पास ही बट आई एम वेरी लकी टू हैव हिम ये पाक का तोहफा है हमारे लिए तो मैं अपनी वीडियो यहाँ एंड करती हूँ मुझे हंड्रेड परसेंट यकीन है आप लोग को बहुत पसंद आई होगी तो जजा का लैर अल्लाह हाफिज़